क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का सैड कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अगर आपको भी अपने फोटो को कुछ इस तरह का एडिट करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन में अपने फोटो को ओपन कर लेना है और पिक्सार्ट एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और ये वाला जो फोटो को मैंने ऑलरेडी एडिट कर लिया था कुछ इस वाले टोन में, और ये ब्लैक टोन को आपको अपने फोटो में कैसे ऐड करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। तो सबसे पहला स्टेप हमें यहाँ पे कुछ PNGs ऐड करना है थिंकिंग टाइप का। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में चल जाएंगे, आपको स्वाइप करना है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉल आउट का, इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और स्क्रीन यहाँ पे वापस से फुल स्क्रीन हो जाएगा। एक बार यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ तो यहाँ पे जो टाइपिंग वाला ऑप्शन है देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके जस्ट आपको यहाँ पे स्पेस दे देना है जिससे यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। फिर वापस से इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ये वाला जो इमेज है इसे ऐड कर लेना है, मतलब ये फॉर्मेट को आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। आप चाहते हो यहाँ पे जो छोटा सा डॉट है इसे आप यहाँ पे कौन से भी तरफ लेके जा सकते हो ये सर्किल की मदद से। तो पहले तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये सही है, एडजस्ट करने के बाद आपको ये वाला जो आइकॉन है देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना तो इसी का एक और लेयर आ जाएगा। इस लेयर का आपको थोड़ा सा नीचे एडजस्ट करना है और यहाँ पे जो डॉट है इसे आपको ऊपर लेके आ जाना है, जैसे देख सकते हो कुछ इस तरह का बन जाएगा। और साइज जो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, यहाँ पे दो हो गया। ये हो जाने के बाद हमें वापस से इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मतलब फोटो पे, और डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे। एक और PNG आ गया, इसके डॉट को रखेंगे हम इस तरफ और एक और डुप्लीकेट को इसके नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद यहाँ से कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट को ऐड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा स्वाइप करेंगे और स्टिकर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार पे जाना है और यहाँ पे आपको कोड्स टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे कोड्स आ जाएंगे, जो चाहो उसे आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इस वाले पार्ट पर एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये सही है, आप चाहे तो ओपेसिटी भी कम कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 100 पे रख के यहाँ से कर लेता हूँ डन। नेक्स्ट हमारा काम है यहाँ पे इमोजीज ऐड करना और यहाँ पे कमाल का ग्लोइंग इफेक्ट अप्लाई करने का, जो कि हम यहाँ पे लास्ट में करेंगे। पहले मैं यहाँ पे इमोजीज को ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे स्टिकर वाला ऑप्शन पे जाएंगे, सर्च बार पे जाएंगे और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है ब्रोकन इमेज, या फिर आप चाहे तो सैड इमोजी भी टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इस वाले इमोजी को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के साइज को छोटा करके इस तरह से एडजस्ट कर देना इसके अंदर, इसका ओपेसिटी कम मत करना, इसका 100 ही रहने देना। तो ये सही है, इसके बाद वापस स्टिकर पे जाएंगे और यहाँ पे एक और इमोजी को ऐड कर लेता हूँ। ऐसे ही आपको बाकी के दो भी इमोजीज ऐड कर लेना है। तो मैं अभी वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर लेता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको भी इस तरह का और भी वीडियोस देखना है। तो मैंने यहाँ पे परफेक्टली चारों इमोजेस को एडजस्ट कर लिया, यहाँ से कर लेता हूँ डन। ये देख सकते हो आप बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी सही लग रहा है। अभी हमें इफेक्ट अप्लाई करना है जिससे हमारा फोटो और भी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। तो इसके लिए इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन देख सकते हो सिंपल का, इसके ऊपर आपका इफेक्ट मिल जाएगा या फिर इफेक्ट्स वाला ऑप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल पर क्लिक कर लेता हूँ मैं और आप यहाँ पे थर्ड वाला इफेक्ट को देख सकते हो BRL2, जिसे अप्लाई करने का देख सकते हो हमारा फोटो कितना कमाल का लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो फेड है आपको बिल्कुल जीरो पे नहीं रखना है, इंक्रीज में ही रखना, वरना काफ़ी ज़्यादा ग्लो करेगा फोटो। तो फेड को मैं भी रख लेता हूँ 50% और यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो हमारा फोटो यहाँ पे फाइनली एडिट हो चुका है, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद ये वाला आइकॉन या फिर इस वाला आइकॉन पर क्लिक करके अपने फोटो गैलरी में सेव कर लेना। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और एक अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर।